एक खून तो पहले ही कर चुका हूँ बुआ जी, अब एक और खून कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे जैसे लोग समाज के लिए बुराई, आज इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। क्या जंगली अंकल सच्ची में मेरे पापा है? चलो कृष्णा। लेकिन मम्मा, चलो कृष्णा। वो किसी नशीली चीज की वजह से मुझे कुछ याद नहीं था हमारे बीच क्या हुआ था उस साल। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दे। तुम्हारी गलती के लिए हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। प्लीज जाओ यहाँ से, इतनी मेहरबानी तो कर सकते हो ना हम पर। प्लीज बहुत चिंता हो रही है लल्ला की। नीरू फोन करना, फोन लगा। मैंने कहा ना अम्मा जी, इस मामले में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है, दोनों को मिलकर सुलझाने दो। और अगर बात नहीं बनी तो अपने दिल को समझाना होगा हमें, ये कुछ हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है शायद वैसा ही होना चाहिए। सागर गलत है माधवी, और उसकी गलती के लिए उसे दुख भी सहना पड़ेगा और सजा भी। नीरू बाप होकर तू कैसी कड़वी बातें कर रहा है? तो क्या गलत कहा मैंने अम्मा जी? हम सबको अपने अपने हिस्से का दुख सहना पड़ता है। मैंने भी अपने गलतियों की सजा पाई है अपनों को खोकर। बात तो तू सही कह रहा है नीरू, मैं भी ना मैं ही मूर्ख हूँ। अच्छा अच्छा सोचना चाहिए ना, गलत बातें क्यों सोच रही हूँ? अरे बचपन से तो देखते आ रहे हैं हम, गंगा के दिल में लल्ला के लिए कितना प्यार है, कितना लगाव। वो लड़की लल्ला के लिए कुछ भी कर सकती थी। और सोचो, गंगा और लल्ला, लल्ला की संतान कृष्णा, और तूने तो देखा है ना उसे, कितनी प्यारी बच्ची है ना, कितनी सुंदर, कुरी कुरी लंबे बाल। ये शालिग्राम जी, इस दिन के लिए तो मैं तरसती आई हूँ। मेरे लल्ला की संतान आंगन में खेले और आज। लेकिन एक बात है, अगर ये बात लल्ला ने पहले ही मान लिया होता ना, तो क्या किसी और की बच्ची को हम सड़क से उठा खिलाते हैं? लोगों ने जोर डाला तो मैंने अपना लिया, लेकिन कोई लगाव नहीं है मुझे इस लड़की से। अम्मा जी प्लीज, बच्ची के सामने तो ऐसा। ठीक है ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो पीछे बातों की। मुझे तो अपने कृष्णा के बारे में सोच ले, मैं तो अपने कृष्णा पर खूब लाड बरसाऊंगी, सारे नखरे झेलूंगी उसके, खूब बातें करूंगी, खूब खाना खिलाऊंगी, जो खाना पसंद करे, मिश्री खिलाऊंगी, ड्राई फ्रूट खिलाऊंगी, चॉकलेट खिलाऊंगी, खीर बनाऊंगी अपने हाथों से अपने कृष्णा के लिए। बस आ जाए वो, बस आ जाए मेरे आंगन में। चुगी बेटा ये आओ। जूही, अरे वाह, आपका डैडी बियर तो बहुत प्यारा है। आपको डॉल्स पसंद है? मेरे पास बहुत सारी डॉल्स हैं, चलो हम खेलेंगे, आ जाओ। गंगा और कृष्णा को घर लेकर आ जाएगा सागर, तो कितना अच्छा होगा ना पुलकित।
घर पे कितनी रौनक हो जाएगी और अब तो जूही को भी कंपनी मिल जाएगी। बड़ा I'm doubtful। पता नहीं गंगा इस बात के लिए राजी होगी कि नहीं। क्यों नहीं होगी राजी, मैं खुद जाकर हाथ पकड़ कर लेकर आऊंगी उसे घर में। आखिर वो मेरी बात कैसे टाल सकती है। मैं उस... जुही? जुही? जुही क्या हुआ? जुही? क्या हुआ बेटा? जुही रो क्यों रहे हो आप? बेटा रो क्यों रहे हो? बस 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 बस, किसने कुछ कहा आपसे? डांटा आपको? जुही अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। प्लीज बताओ ना क्या हुआ। मम्मा और पापा आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी है ना, तो हमें नहीं बताओगी किसने रुलाया हमारी डॉल को? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं क्या सड़क वाली लड़की हूँ? जुही ऐसा किसने कहा आपसे? बड़ी दादी ने। बड़ी दादी को अच्छी नहीं लगती मैं, वो कृष्णा से प्यार करती है। कृष्णा आएगी तो आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल दोगे ना? ये सब ठीक नहीं हो रहा है। अब तो सागर गंगा को लेकर आ ही जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, क्या करूंगी मैं? अरे सोया रानी तुम ना बहुत डरती हो। अरे ये क्यों नहीं सोचती कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली होती ना, इतनी आसानी से तो हो चुकी होती यश के कहने से पहले। क्या मतलब? मतलब ये जोया रानी कि उस रात का किस्सा तो खुल के सामने आ चुका है, लेकिन सागर और गंगा की अकड़ वो तो वहीं की वहीं है ना। सागर और गंगा एक दूसरे में मरते तो हैं, साथ ही जिद और गुस्से के मामले में दोनों अड़ियल भी हैं। शर्त लगा लो यही गुस्सा उनका उनको मिलने नहीं देगा। यही तो प्रॉब्लम है। बात अगर सागर और गंगा की होती तो मुझे उतनी फिक्र नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ दोनों को एक दूसरे को दर्द देने में जितना मजा आता है, खुद को तड़पाने में उतना ही आराम मिलता है। भूलो मत सोनू, उन दोनों के बीच एक औलाद है और अपने बच्चे के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है। तुम्हारी गलती के लिए हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। प्लीज जाओ यहां से, इतनी मेहरबानी तो कर सकते हो ना हम पर। अभी हम खेल लेंगे। आप भागोगे मैं पकड़ूंगा, ठीक है? 1 2 3 रन। पापा मुझे पकड़ो, पापा मैं जीत गई, पापा मैं जीत गई, आप हार गए। परी रुको 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 रुको, परी रुको, आराम से आराम से। ये ओके? दिखा दे आपको चोट आई, आप इधर आइए बैठिए आराम से। कुछ नहीं हुआ भाई, ये तो बहुत मामूली सी चोट है। मैं बैठ नहीं सकता, वो क्या है ना, मैं पहले अपनी बेटी के साथ ना गेम खत्म कर लूं, वरना वो उदास हो जाएगी। वो वही है, ठीक है, लेकिन आर यू श्योर यू आर फाइन? आप बिल्कुल ठीक हैं? आई एम वेरी फाइन, डोंट वरी माय फ्रेंड। एक बार मैं अपनी परी को कैच कर लूं तो उसके चेहरे की खुशी देखकर ना ये सारा दर्द गायब हो जाएगा। लगता है आप पापा नहीं बने अभी तक, वरना आपको पता होता एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके माय फ्रेंड, आई हैव टू लीव। मुझे पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगा, पकड़ लिया। सही कहा आपने। एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना ईगो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ इग्नोर कर सकता है वो। अपनी बेटी को पाने के लिए मैं गंगा के सामने भीख मांग सकता हूँ, मंजूर है मुझे? मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो, मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो, मम्मा, मम्मा मुझे जिंदगी अंकल से बात करनी है। मम्मा
ना क्रिश्चियन, रो रही है तू? उसे रोने दो, तुम जाओ यहाँ से। तू सुन नहीं रही है? प्लीज मुझे उससे एक बार बात करने दे। नहीं सागर, हमने कहा ना। गंगा, प्लीज जाओ यहाँ से। तू एक बार जाने दे। गंगा, गंगा। सागर जाओ यहाँ से। तू पागल हो गई है क्या? क्रिश्चियन रो रही है, तू जानती है ना? मैं ये भी जानता हूँ तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, फिर क्यों कर रही है सब? गंगा मेरी बात सुन, देख क्रिश्चियन रो रही है, मुझे एक बार उसके पास जाने दे, ठीक है? नहीं नहीं सागर, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज इस घर से जाओ। गंगा, हम दोनों साथ रहेंगे। सागर प्लीज, उसे माँ बाप का प्यार दोनों मिलेगा, एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है? मेरी बात समझ, देख वो रो रही है, मुझे जा। सागर हम कह रहे हैं ना, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। गंगा प्लीज, प्लीज हमारे घर से जाओ। गंगा प्लीज, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है, लेकिन एक मौका था अपनी गलती सुधारने का, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तू बस बोला हर गलती को माफ नहीं किया जा सकता है सागर। तुम बता, इन 7 सालों में हमने जो खोया है वो हमें वापस दिला सकते हो तो? जिंदगी के वो 7 साल जो हमने अकेले काटे वापस दे सकते हो? मैं वक्त को मोड़ के पीछे लेकर जा सकते हो सागर? मेरी बार बात नहीं ना, तो प्लीज जाओ यहाँ से। एक बार मेरी बात सुन, कृष्णा रो रही है तू? आज कृष्णा के रोने से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, अचानक तुम्हारे दिल में एक बाप की धड़कन समा गई। उस दिन क्या हुआ था सागर, जब बाबू ने फोन पे तुम्हें नन्ही सी कृष्णा के रोने की आवाज सुनाई थी, क्या कहा था तुमने? मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ना मेरी बात समझने की कोशिश कर। जब कृष्णा पैदा हुई थी उसे उसके पिता के हाथ का स्पर्श नहीं मिला था। जब पहली बार कृष्णा ने चलने की कोशिश की तब उसे उसके बाप की जरूरत थी, उस विश्वास की जरूरत थी कि अगर मैं गिरूं तो मेरे पापा मुझे संभाल लेंगे। अब कहां थे तुम सागर, कहां थे तुम जब पहली बार कृष्णा बीमार हुई, बुखार में तप रही थी और हम पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे थे, कभी डॉक्टर के पास कभी कभी मेडिकल शॉप में, तब मुझे अपने बाप की बहुत जरूरत थी, तुम कहाँ थे सागर, क्यों नहीं थे तुम? पहली बार कृष्णा स्कूल गई, जब पहली बार उसके एग्जाम का रिजल्ट आया तो वो भी सुनना चाहती थी अपने पापा से, वेरी गुड कृष्णा, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन तुम नहीं थे, सिर्फ हम ही थे उसके पास सागर। आज क्यों तुम बाप बन कर आ गए हो, अब तुम्हें सब रियलाइज हो रहा है, जाओ सागर। मुझे कुछ कहने का मौका देगी तू? Just once, please. मैं मानता हूँ तू सही है, तू सही है, मैं मेरी गलती थी, मैं नहीं था जब कृष्णा पैदा हुई थी, मुझे होना चाहिए था उसे अपने गोद में लेकर प्यार करने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए जब उसने चलना सीखा था, बीमारी के वक्त उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी हर कामयाबी पर उसे शाबाशी देने के लिए मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं था, मैं जानता हूँ। तो सब कुछ करने के लिए जो एक बाप को करना चाहिए, लेकिन मैंने जो नहीं किया, और ये बात आज मुझे कितनी तकलीफ दे रही है गंगा, तू नहीं समझ सकती। एक माँ ही नहीं, एक बाप भी अपनी औलाद को जी जान से प्यार करता है, ये क्यों नहीं समझती तू? कृष्णा मेरी बेटी है, उस पर मेरा भी हक है, नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज चांस दे, सारे घाव भर दूंगा, सच कह रहा हूँ, सारे दर्द मिटा दूंगा जो आज तक तू सहते आई है, सारे पल, वो सारी रातें जो हमने एक दूसरे के बिना काटी, वो सारे लम्हे जब हमने एक दूसरे के बिना सांसें ली, वो एक एक पल, एक एक घड़ी जो तूने अकेले तड़प के काटी है जब मैं तुझे छोड़कर चला गया था, सब मुझसे आज हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनका हिसाब चुकाऊंगा, तू देखना, सारे शिकायत दूर कर दूंगा, तू देखना मैं सारे शिकायत दूर कर दूंगा। ये किसी दुकान का बही खाता नहीं है सागर, जो उधार चुकाकर अकाउंट बंद कर दिया, इस दर्द का हिसाब तो सिर्फ दर्द ही देगा। तुझे क्या लगता है दर्द सिर्फ तूने सहा? पहले नहीं किया कुछ गंगा, तू अकेली हो गई थी तो मैं भी अकेला हो गया था, ये शिकायत मुझे भी है तुझसे कि मैंने जब कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है तो तू मुझे झंझोड़कर याद दिलाती सब कुछ, लेकिन नहीं, जब मैंने बच्चे के बाप का नाम पूछा था तो तू पूरे अधिकार के साथ कहती सागर तुम ही हो, लेकिन ये तू मुंह फेर के चली गई थी, डीएनए टेस्ट के लिए भी ना कह दिया तूने। गंगा मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, मैं मानता हूं,
लेकिन तूने भी तो मेरे विश्वास को जगाने की कोशिश नहीं की, ये भी तो सच है ना। बोल बोल ना गंगा, बोल। हमने कहा महाराज, हमें हाथ हाथ मत लगा। क्या सोचती है तू कि मैं तेरे पास आने के लिए मर रहा हूं? हा? तुझे लगता है मैं तेरे लिए आया हूं? नो गंगा, मैं कृष्णा के लिए आया हूं। कृष्णा, तुझसे दूर रहने की आदत हो गई है मुझे। आज मैं कृष्णा को ले जाकर रहूंगा और तू मुझे नहीं रोक सकती है। तुम्हारी अम्मा जी अभी नई चाल चलने जा रही, वो तुमसे तुम्हारी कृष्णा को छीनना चाहती है गंगा। कृष्णा जंगली अंकल, जंगली अंकल आप मेरे पापा हो ना? सच्ची सच्ची बताना, आप मेरे पापा हो ना जंगली अंकल? चलो कृष्णा, अपने घर चलो। रुक जाओ कृष्णा, अगर आज तुम इनके साथ चली गई तो याद रखना तुम हमेशा के लिए हमें खो दो। देखो कृष्णा, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिल जाता, इसलिए आज तुम्हें दो लोगों में से चुनना होगा। अच्छी तरह सोच कर बताओ कृष्णा कि तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हारे जंगली अंकल या तुम्हारी मम्मा?